एक बेटे ने अपने ही पिता के 6 टुकड़े कर डाले, और वो भी उस आरी से जो पिता ने ही दिलाई थी। पहले कत्ल हुआ और फिर कत्ल को छुपाने की सबसे खौफनाक कोशिश हुई। कत्ल के बाद तलाश शुरू हुई उस आरी की। आखिर लाश को ठिकाने जो लगाना था, 6 फीट की लाश को साबुत ठिकाने लगाने से बेहतर उसे लगा आरी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं। उसने लाश के 6 टुकड़े किए। एक एक फीट का हर टुकड़ा था। दिल्ली की श्रद्धा की तरह ही उसे भी मारा गया। आफ्ताब से ही उसने सीखा लाश को ठिकाने लगाने का तरीका। देश का सबसे बड़ा दरिंदा आफ्ताब उसे अपना हीरो लगा, और फिर उसने भी बहरहमी से सारी सीमाएं पार कर दी। आफ्ताब के हैवियन ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नजर आई, लेकिन पश्चिम बंगाल के बरुई में एक बेटा ही राक्षस बन गया, जिसने अपने पिता को एक एक फीट के 6 टुकड़ों में काट डाला। नेवी से रिटायर्ड उज्जवल चक्रवर्ती का कुछ दिन पहले अपने बेटे से झगड़ा हो गया था। बेटे ने पिता से 3,000 रुपये मांगे थे, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर उनके बेटे ने उन्हें धक्का मार कर गिरा दिया। उज्जवल चक्रवर्ती बेहोश हो गए। इसके बाद उनकी पत्नी और उसके बेटे ने मिलकर गला दबाकर उनकी जान ले ली। ये दोनों माँ बेटे इतने पर भी नहीं रुके। कत्ल के बाद उज्जवल का बेटा उनकी लाश को घसीटकर बाथरूम तक ले गया। इनके घर में एक आरी थी। माँ के कहने पर बेटा आरी ले आया और बाथरूम में ही पिता की लाश को काटने लगा। उसने अपने पिता की लाश के 6 टुकड़े किए। लाश को काटने के बाद उन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भरा। पहले कुछ टुकड़ों को माँ और बेटा दोनों मिलकर पास के ही तालाब में फेंकाए। अगले दिन बेटे ने पिता की लाश के कुछ टुकड़ों को आसपास अलग अलग जगह पर डाल दिया। दो दिन बाद माँ बेटे दोनों पुलिस में उज्जवल चक्रवर्ती के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाने के लिए गए। पुलिस ने छानबीन शुरू की। माँ बेटे के बयान पर भी पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद दोनों से पूछताछ की गई तो सामने आया हैवानियत का ये नंगा नाच, कलयुगी बेटे का वो सच जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। उज्जवल का बेटा कॉलेज से क्राफ्ट का कोर्स कर रहा था। उसके कॉलेज के काम के लिए पिता ने ही उसे आरी दिलाई थी। और काट पीट का दूसरा सामान भी दिलाया था। उस दिन उसने अपनी कॉलेज की उस किट से ही आरी निकालकर पिता की लाश के टुकड़े कर डाले, और उसके बाद साइकिल में लाश के टुकड़े ले जाकर उसने ठिकाने लगाया। इसने लाश फेंकने के लिए कई चक्कर लगाए। उज्जवल चक्रवर्ती के दो पैर कूड़े के ढेर से बरामद हुए, जबकि सिर तालाब में फेंक दिया गया था। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक बेटा अपने ही पिता के साथ ऐसा कर सकता है। माँ और बेटे का कहना है कि उज्जवल चक्रवर्ती उन्हें काफ़ी परेशान करते थे, और इसलिए उन्होंने इतना खतरनाक प्लान बना डाला। बाप बेटे का रिश्ता सबसे करीबी रिश्ता होता है, लेकिन ऐसे मामले कई बार सामने आ जाते हैं जो समाज को झंझोर कर रख देते हैं। उज्जवल चक्रवर्ती के मर्डर की तरह ही कुछ साल पहले दिल्ली में भी बेटे की एक ऐसी ही धरंधी की कहानी सामने आई थी, जहां जायदाद के लिए एक बेटे ने अपने पिता की लाश के 50 टुकड़े कर डाले थे। हद के लालच में एक बेटा इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने पिता को न सिर्फ मौत दी, बल्कि उनकी लाश को भी इतने टुकड़ों में काट दिया। ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि लाश किसकी है। धन्यवाद।